हूँ सैयद जिशान, आप देख रहे हैं सत्य आज तक। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। और मैं ये वादा करता हूँ, ये जो तुम्हारे आंखों में दिख रहा है वो सब जयंत पाटिल साहब के आशीर्वाद से हम पूरा कर देंगे ये वादा। हम वादे के मुताबिक चलने वाले लोग हैं, हम वादे से मुकरते नहीं। मैंने कहा था कि महाड़ा के कुछ घर ये 36 एकर्स में बना दूंगा, मैं बनाऊंगा। मैंने आज ही विकास पाटिल महापौर का जो पति है, वो महापौर मैडम के पिताजी गुजर गए तो वो उसमें थी, तो मैंने उनको कहा है कि तुम भी याद रखो इमरान, कि मुझे एक ठहराव करके ये जमीन महाड़ा डेवलप करे, इतना खाली लिख के भेज दो, जितना पैसा लगेगा उतना लगाऊंगा, लेकिन महाड़ा का ये भूमि पूजन करके दूंगा। यहाँ में यहाँ पे पावर लूम के गरीब लोग रहते हैं, भिवंडी में अकलियत ज्यादा है लेकिन बहुत गरीब, यहाँ पे रोजगार का मसला है। कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हमारे नौजवानों के हाथों को कुछ काम। झूठे सपने मत दिखाओ, वो सपने दिखाओ जो पूरे कर सके। ये ऐसी राजनीति हम नहीं करते। हमारा चेहरा दिखने से कोई रोक नहीं सकता, लोगों के दिल में है हम। ऐसा लगाने से जयंत पाटिल की मेरी छवि छुप जाएगी ऐसा किसी को लग रहा होगा तो वो पागल है। और इसीलिए साहब है, साहब के यहाँ मीटिंग लगा के मैं साहब से, साहब की तरफ से वादा देता हूँ और साहब को बोलूंगा कि हाथ उठाओ, 100 MLD और खोनी के पानी का सवाल जो है वो आने वाले 15 दिन में मीटिंग लेके साहब खत्म करेंगे, ये मैं साहब से वादा ले रहा हूँ, साहब भी वादा लेंगे। अभी हम पहले सड़कों के पीछे लगेंगे लेकिन साथ साथ पानी का भी वादा पूरा कर देंगे। पानी का वादा मैं इसलिए जोर से कह रहा हूं क्योंकि मंत्री हमारे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे नेता हैं जो हमारी बात को मान के खा कर देंगे। तो मेरे भाई और बहनों, आज ये जलसा बड़ा ही खूबसूरत रहा, बड़े बड़े जोश में लोग दिख रहे थे, इससे लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस चारों तरफ बढ़ेगी। मैं गुड्डू साहब का और बाकी सभी लोगों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और ऐसे कामयाब रैली को करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं लफ्जों के साथ आपसे इजाजत लेता हूं, खुदा हाफिज। जो देश के लिए शहीद हो गए, आज सुबह में जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई, ऐसा सवाल है, भूल गए मुझे लगता है प्रोटोकॉल, मतलब अपने नेता के प्रोटोकॉल में शहीदों को श्रद्धांजलि। ऐसा है, शहीदों को सम्मान करना हर भारतीय की आदमी का कर्तव्य है, इससे वो मुकर नहीं सकते हैं। अगर आयोजक ने कोई गलती की होगी तो मैं इसके लिए आप नहीं पूरे भारत की माफी चाहता। एक मिनट यार बोलने दो ना यार, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये हम लोग तो स्टेज पे आए, हमको मालूम नहीं स्टेज पे क्या था, लेकिन अगर जो कार्यक्रम के आयोजक थे उनके हाथ से कोई गलती हुई होगी तो मैं तहे दिल से माफीनामा पेश करता हूँ। अभी मैंने कहा था ये आप देख रहे हैं सत्य आज तक हमेशा सच।